हल्द्वानी में राष्ट्रीय सेविका समिति ने पैदल मार्च का आयोजन किया। वहीं समिति के सदस्य ने बताया कि राष्ट्रीय सेविका समिति की स्थापना विजयदशमी के दिन 1936 में लक्ष्मीबाई केलकर ने की थी। वहीं संगठन की शुरुआत 5 स्त्रियों के साथ हुई थी। अब समिति हिंदुस्तानी नहीं बल्कि 132 से ज्यादा देशों के अंदर काम कर रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कार्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। वहीं समिति के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम ऐसे आयोजन दशहरे के मौके पर नवरात्रि में करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज महिलाओं के प्रति अभी भी कई कुरीतियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। संगठन का उद्देश्य महिलाओं को शास्त्र और बुद्धि से विजय प्राप्त करवाना है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है, लेकिन समाज में भी जो दुष्कर्म है, जैसे ये हमारा जो दशहरा है ये बुराई पर अच्छाई की विजय है। तो हम ये इसी दिन हमारी स्थापना हुई थी, तो हमारा भी उद्देश्य है कि समस्त बुराइयों पर अच्छाई की विजय हो और उसमें समिति अपना कार्य करे। यानी समिति का उद्देश्य है कि समाज में जो फैला हुआ दुराचार है, दुष्कर्म है, जो गलत कुरीतियां हैं, इन सबके विरुद्ध समिति खड़ी होगी। ये हमारा उद्देश्य।